यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वर्गवासी पिता अनंत सिंह बिष्ट ने जोहड़ी गांव आने का वादा किया था, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण उन्होंने अपने छोटे बेटे को गांव भेजा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता अनंत सिंह बिष्ट का सोमवार को निधन हो गया, लेकिन उनका अपने गांव पंचूर में शूटिंग रेंज खोलने का सपना अधूरा रह गया। योगी के पिता जोहड़ी गांव में स्थित बीपी सिंगल शूटिंग रेंज की तरह ही अपने गांव में रेंज खोलना चाहते थे। जिससे बच्चों को खेल के माध्यम से रोजगार मिल सके, आनंद सिंह बिष्ट ने रेंज खोलने से पहले जोहड़ी गांव आने का वादा किया था, लेकिन उससे पहले ही उनका निधन हो गया। बीपी सिंगल शूटिंग रेंज के संस्थापक व अंतर्राष्ट्रीय कोच डॉक्टर राजपाल सिंह ने बताया कि गोरखपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय में निशानेबाजी का उन्होंने प्रशिक्षण दिया था। उसके बाद योगी आदित्यनाथ के कहने पर वह उनके गांव पौड़ी के पंचूर गए थे। उनके घर पर योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट व छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट मिले थे। डॉक्टर राजपाल ने आनंद सिंह को अपने गांव की शूटिंग रेंज और बच्चों को रोजगार के बारे में बताया तो उन्होंने भी अपने गांव पंचूर में शूटिंग रेंज खोलने की इच्छा जताई, जिससे पौड़ी के बच्चों को भी ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। डॉक्टर राजपाल सिंह ने बताया कि उन्होंने आनंद सिंह को रेंज खोलने से पहले जोहड़ी आकर शूटिंग रेंज देखने के लिए न्योता दिया था, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया था, लेकिन अस्वस्थ होने के बाद वह नहीं आ सके और अपने छोटे भाई महेंद्र सिंह बिष्ट को जोहड़ी भेज दिया था। महेंद्र सिंह अपने साथ कई बच्चों को लेकर दो बार जोहड़ी आए थे। आने वाले समय में पंचूर में शूटिंग रेंज खुलनी थी, लेकिन आनंद सिंह बिष्ट का जोहड़ी में शूटिंग रेंज देखने और अपने गांव में शूटिंग रेंज खोलने का सपना अधूरा रह गया। हाँ, पंचूर में, पंचूर जो है वहाँ पे बिथियानी लैंसडाउन डिवीज़न में है, पौड़ी गढ़वाल में, उसमें गुरुकुल गोरखनाथ महाविद्यालय है जो कि 2005 में स्थापित हुआ था, उसमें ये करना चाहते हैं। तो महेंद्र सिंह बिष्ट उनके सबसे छोटे लड़के जो देखते हैं उस स्कूल में, और उनके ही साथ में उनकी कई उनकी भतीजी, उनकी साली, उनकी कई सारी लड़कियाँ आई थी। आनंद बिष्ट जी को जब उन्होंने बताया तो उनका फ़ोन की बात हुई थी मेरी, उन्होंने कहा था कि जैसा प्रोग्राम तुम्हारे यहाँ देखा उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे यहाँ जल्दी से जल्दी आओ, अब समर में छुट्टियाँ पड़ेगी, अब तो लॉकडाउन भी हो गया, तो उनका ये था कि अब इसके ख़त्म होने के बाद हम वहाँ पर शुरू कराएं। डॉक्टर राजपाल सिंह ने बताया कि वह प्रयास करेंगे कि उनके गाँव में शूटिंग रेंज खुल सके। उधर उनके निधन के बाद शूटिंग रेंज पर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया। टाइम 24 न्यूज के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।